आपने देखा होगा कि स्कूल के अंदर जब छात्र पढ़ते हैं तो वो भी सोचते हैं कि हमें भी कहीं ना कहीं बाहर जाने का मौका मिले, या फिर पिकनिक के तौर पर आपने देखा होगा कि काफी जो है फ्रेशनेस महसूस करते हैं छात्र। उसी के तहत आपको एक स्कीम के बारे में बताना चाहते हैं। आपको बताएं कि एक भारत सरकार की स्कीम है कि प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया, ये एक स्कीम्स है। और स्कीम्स के तहत गवर्नमेंट हाई स्कूल पटिया के द्वारा एडवेंचर स्पोर्ट्स का कार्यक्रम रखा गया था एक दिन के लिए। और ये जो कार्यक्रम है ये माल टॉप एरिया में रखा गया था। यहाँ पर कबड्डी, खो खो और रेस कंपटीशन करवाए गए हैं और छात्रों ने काफ़ी इंजॉय किया गया है। और छात्रों का साफ तौर से ये भी कहना था कि हम जब स्कूल के अंदर लगातार पढ़ाई करते रहते हैं तो हम भी उसके साथ साथ में ये भी चाहते हैं कि हम कहीं बाहर में जाएं और हमारे इस प्रकार से कंपटीशन हो, जिससे वह छात्र काफ़ी जो है फ्रेशनेस महसूस कर रहे हैं। आपको ये बता दें कि प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया ये स्कीम है और स्कीम के तहत गवर्नमेंट हाई स्कूल पटिया जो है स्कूल है वो स्कूल ने एक दिन का इवेंट जो है मालटॉप पर रखा गया था। उस इवेंट का नाम एडवेंचर स्पोर्ट्स रखा गया था और आपको बता दें कि वहां के छात्रों ने काफ़ी इंजॉय किया गया है। ये आप तस्वीरें जो देख रहे हैं ये मालटॉप की हैं और ये स्कूल के जो छात्र हैं ये हाई स्कूल पटिया के हैं और वहाँ पर काफ़ी सारा इंजॉय कर रहे हैं। आपको बता दें कि अरनास जोन में इकलौता ऐसा स्कूल है जो पीएम शेरी बेंचमार्क, आपको ये बता दें कि ये स्कूल इकलौता ऐसा स्कूल है अरनास जोन का कि जिस गवर्नमेंट हाई स्कूल पटिया एक इकलौता ऐसा स्कूल है अपने जोन का अरनास जोन का, यहाँ पर पीएम श्री बेंचमार्क स्कूल जो है क्वालिफाइड किया गया था। और उसके तहत ये जो प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया जो स्कीम थी उसके तहत एक दिन का इवेंट रखा गया था। और इसका इस इवेंट का नाम जो है आपको बता दें कि एडवेंचर स्पोर्ट्स के नाम से काफ़ी सारा छात्रों ने एंजॉय किया। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये माल टॉप एरिया है और काफ़ी सुंदर जो वहाँ का वातावरण है और काफ़ी अच्छा एरिया है। और आपको ये बता दें कि ये स्कूल जो है रियासी ज़िला के थुरू तहसील में पड़ता है और माल टॉप जो क्षेत्र है काफ़ी सुंदर और काफ़ी अच्छा वातावरण वहाँ का है और काफ़ी अच्छी वहाँ पर एक आपको ये भी बता दें कि एक पिकनिक स्पॉट बन सकता है और अगर टूरिज्म विभाग चाहे तो इसको एक अच्छे तौर पर भी दिखा सकता है। तो फिलहाल इस कवरेज में इतना ही, हमें दीजिए अनुमति। धन्यवाद।